जी, तो इस वक्त हम लोग एक और बड़े मड वोल्केनो की तरफ जा रहे हैं। ये हाइट में ज़्यादा नहीं है, मगर मड वोल्केनो उसका ये थ्योरी है कि जो जितना स्लो इरप्ट हो रहा होता है उतना वो ऊंचा होता है, और जो जितना ज़्यादा अमाउंट में इरप्शन जिस पे हो रही होती है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मगर वो बड़ा होता है, उसका फिर फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये जिस पे इस वक्त हम लोग चल रहे हैं इसका फैलाव ज़्यादा है। देखें कहाँ से इसके ऊपर हमने चढ़ना शुरू किया है। बाय द वे, वो V74 भी नज़र आ रहा होगा आपको, और ये बाकी छोटे वोल्केनोस नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये इसके ऊपर अब हम जो जा रहे हैं ना, तो मुझे उम्मीद है, वैसे इसके ऊपर मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग अप। तो उम्मीद ये है कि इस पे इसका फैलाव ज़्यादा होगा, इसका क्रेटर बड़ा होगा, और इसमें जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। जी, ये इस वक्त हम इसके ऊपर पहुंच गए, एंड एज एक्सपेक्टेड अभी आप देख रहे हैं कि इसका क्रेटर कितना बड़ा है। ठीक है, और यही बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखें, ये गोल सा सा क्रेटर है, ये देखें बबलिंग हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो रही है। और वहाँ से भी हो रही है, हम उधर भी जाते हैं। वहाँ से इसकी जो है ना कंटिन्यूअसली बर्निंग चल रही है। एज एक्सपेक्टेड ये बहुत बड़ा है, बिकॉज इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मगर एट द सेम टाइम इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है।